मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआर एसपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा न्यूज से जुड़ी हुई अपडेट्स है। इन दो प्रकार की लीव के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना, शिक्षक एक बार में अधिकतम कितनी छुट्टी ले सकते हैं, नेट परीक्षा के संबंध में शिक्षक ध्यान दें। शिक्षकों की इसी सप्ताह शुरू होगी स्कूल आवंटन प्रक्रिया। स्कूली शिक्षा महानिदेशक शिक्षक दिवस पर भूख हड़ताल करेंगे शिक्षा में। रखेंगे उपवास, दर्ज कराएंगे अपना विरोध। अंबेडकर नगर शिक्षा मित्र शिक्षक संघ अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष व शिक्षा मित्र केयर समिति अंबेडकर नगर के जिला संयोजक रामचंद्र मौर्य जनपद के शिक्षा मित्रों से आगामी 15 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर भूख हड़ताल करने, उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराने की अपील किया है। जिला अध्यक्ष जिला संयोजक रामचंद्र मौर्य ने कहा कि 5 सितंबर 2023 को जनपद के शिक्षा मित्र विद्यालय में उपस्थित होकर भूख हड़ताल करेंगे, उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा की बदहाल दशा को सुधारने के लिए 2 दशक पूर्व ग्राम पंचायतों की युवा मेधावियों का चयन शिक्षा मित्र पद पर किया गया था। वर्तमान में शिक्षा मित्र को 10,000 मासिक मानदेय के रूप में 11 माह के लिए दिया जाता है। इस बढ़ती महंगाई में शिक्षा मित्र द्वारा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। आए दिन आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा मित्रों की मौत हो रही है। प्रदेश में लगभग 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्र की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सका है, जबकि शिक्षा मित्र योग अनुभवी व शिक्षक की समस्त योग्यता रखते हैं। फिर भी सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों द्वारा निरंतर रूप से लंबे समय से नियमितीकरण की मांग की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को मानदेय भी समय से न दे करके बेमौत मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिक्षकों का इसी सप्ताह शुरू होगी स्कूल आवंटन प्रक्रिया। स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय शिक्षकों से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही वेतन भी जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, इसके लिए भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। शिक्षकों की संख्या और डाटा काफी बड़ा होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है। सभी प्रक्रियाओं को जल्दी से पूरा कर पठन पाठन सामान्य किया जाएगा। विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा। नेट परीक्षा के संबंध में समस्त बीएसए बीओ डीसी एसआरजी एआरपी तथा शिक्षकगण कृपया ध्यान दें। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी नेट किया जाना है। तत्संबंधी निर्देश जनपदों को प्रेषित किया गया है। तत्क्रम में शिक्षकों के उपयोगार्थ नेट संबंधी निर्देश एवं सरल ऐप के प्रभावी संचालन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा YouTube लाइव का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 6 सितंबर 2023 समय 11 बजे और दोपहर 12:30 बजे तक यानी 1:30 बजे तक YouTube लाइव सेशन चलेगा। नेट संबंधी निर्देश गोपाल YouTube सेशन में समस्त जनपदों के बीएसए बीओ डीसी एसआरजी एआरपी शिक्षकगण की समय से प्रतिभागिता अनिवार्य है। आगे से पर राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश। इन दो प्रकार की लीव के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। एबॉर्शन लीव पूरे सेवा काल में कुल कितनी बार लिया जा सकता है? अनगिनत बार। एक बार से में अधिकतम कितने दिन की लीव मिल सकती है? बेसिक में एक बार में अधिकतम 42 दिन या उससे कम जितने दिन डॉक्टर लिखे। राजकीय में एक बार में 45 दिन है, लेकिन अनगिनत बार नहीं है। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थे इस शिक्षा से जुड़ी हुई। इसी प्रकार के अपडेट्स आपको एक चैनल के मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।